खबर अयोध्या जनपद की है। बीतू दिनों अज्ञात बदमाशों ने एक गर्भवती शिक्षिका की चाकुओं से गोदकर दिन दहाड़े हत्या कर दी है। यह जघन्य वारदात अयोध्या कोतावली क्षेत्र की श्रीरामपुरम कॉलोनी में तब हुई जब शिक्षिका अपने घर में अकेले थी। एसपी सिटी विजय पाल सिंह ने बताया कि टीम गठित कर दी गई है, शीघ्र ही हमलावर पकड़े जाएंगे। अंबेडकर नगर के जलालपुर थाने के पठानपुर अतरौली निवासी शिक्षिका सुप्रिया वर्मा यहां अपने पति और मां के साथ रहती है। पति उमेश वर्मा भी शिक्षक है। बुधवार करीब 11 बजे पति उमेश चंद वर्मा पत्नी को ससुराल में छोड़कर सास के साथ बैंक गए हुए थे। वहां से लौटे तो दरवाजा खोलकर अंदर जाने पर पत्नी खून से लथपथ मिली। तत्काल दर्शन नगर ट्रामा सेंटर ले गए जहां चिकित्सकों ने सुप्रिया को मृत घोषित कर दिया। मृतिका के शरीर पर धाराधार हथियार के से वार के निशान पाए गए। एसपी सिटी ने बताया कि सीसीटीवी में कैमरे के जरिए हमलावरों की तलाश की जा रही है। हम लोग बैंक गए थे, आए तुरंत जो है देखे इसके सब ब्लड व्लड गिरा था। फिर हम लोग अस्पताल लेकर आए तब पता चला कि कोई मारा है यहाँ पे गले के पास। किससे वार किया गया ये कुछ नहीं पता। वहाँ जैसे कुछ कोई अंदाजा नहीं है कि क्या ऐसे हो सकता है। जब आप प्रत्याशित क्या हुआ था सुबह कितने बजे मामला है? लगभग 10:15 बजे के आसपास हम लोग आए थे तो इनके मम्मी के यहाँ गए, मतलब इनके मायके में इनको छोड़े थे यहीं खाना खाने के लिए। मतलब इनको टीफा टेस्ट कराने जाना था। ये भी अदब का है क्या? हाँ, बीकापुर में अस्करनपुर में थी। थाना कोतवाली अयोध्या क्षेत्र के अंतर्गत श्रीरामपुरम कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में एक विवाहिता महिला और जो कि यहाँ अपने माँ और पति के साथ में यहाँ थी और यहाँ से इनकी माँ कुछ आवश्यक कार्य से यहाँ से चली गई थी। उसी दौरान जो है ये कमरे में थी और जब आकर के इनकी माँ और इनके पति वापस लौटे और देखा तो ये जो है घायल अवस्था में यहाँ पर मिली। तत्काल उनको हॉस्पिटल भिजवाया गया जहाँ उनकी मृत्यु हो गई।